नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। यह खबर शर्मसार करने वाली है। विद्यालय के कमरे में सीध लगाकर चोरों ने 5 क्विंटल से अधिक मध्यान्ह भोजन के चावल की चोरी कर ली है। एक कमरे में तो शराब की बोतलें मिली हैं। वो बोतलें पीकर खाली फेंकी गई नहीं, वह ऐसी बोतलें हैं जो नई हैं और ढक्कन के साथ हैं। अर्थात यहाँ शराब पैक करने का काम हो रहा था, वह इस बात की गवाही दे रही हैं। आज सोमवार की सुबह 9 बजे के लगभग ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्यालय के शिक्षकों को दी। हालांकि इन दिनों सरकारी विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। 20 जून से स्कूल पुनः खुलने वाले हैं। इसी मौके का लाभ उठाकर रघुनाथपुर मध्य विद्यालय, जो केसठ प्रखंड के अंतर्गत आता है, आप देख रहे हैं कमरे की दीवार को तोड़ करके उसके अंदर से लगभग 10 बोरी चावल, जिसकी कुल मात्रा लगभग 5 क्विंटल आंकी गई है। गनीमत यह है कि कुछ चावल चोरों ने छोड़ दिया है और सिलेंडर वगैरह भी। हालांकि क्या क्या वहां से चोरी हुआ है इसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, लेकिन विद्यालय के शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वार्ड सरपंच आदि की सूचना पर मौके पर नवानगर थाने की पुलिस पहुंची। वहां पूछताछ के दौरान पता चला, आप देख रहे हैं कमरे में शराब, देसी शराब की बोतलें, ढक्कन पैकेट्स पड़े हैं। अर्थात यहां शराब भरने का भी काम चल रहा था। चावल की बोरी गायब की गई है, 10 बोरी। 10 बोरी जी। तो कब ये लगभग 5 क्विंटल के कब सूचना मिला? हमको 9:20 में सूचना मिला। बताया जा रहा है कि यहाँ शराब की खाली बोतलें भी मिली है। ये तो अभी विद्यालय बंद चल रहा है, हमको जानकारी नहीं हो पाई। असामाजिक तत्व यहाँ आकर हम उपद्रव कर रहे हैं। कई बार यहाँ ताला भी टूटा है। हाई स्कूल में कंप्यूटर भी चोरी गई है। यहाँ का भी ताला तोड़ा गया है। ये चौथी बार घटना हो रही है। तो ऐसे में इतना घटना होने के बावजूद भी आप जिला प्रशासन को सूचना नहीं देते गार्ड की नियुक्ति हो? ऐसा ही विभागीय प्रधान है, हम लोग बोलते हैं, लेकिन विभाग द्वारा कोई इससे कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? विद्यानंद सिंह। जिन लोगों की नैतिकता ही खत्म हो जाए उनके लिए स्कूल क्या और मंदिर क्या। इस सिलसिले में रघुनाथपुर गांव के स्थानीय वार्ड पार्षद से बात हुई, उन्होंने भी इसकी घोर निंदा की। नहीं तो ये तो गलत बात, स्कूल के भी शिकायत होता है। स्कूल पढ़े वाला चीज़ है, स्कूल सरस्वती के मंदिर है, लेकिन ये मंदिर में जो भी ऐसा गलत काम के लिए कार्रवाई होगा के चाहिए, जाँच होकर चाहिए। सरकार और शिक्षकों पर व्यंग कसने वाले लोगों के लिए हम यहाँ चलते चलते जरूर कहेंगे, विद्यालय की देखभाल करने के लिए चौकीदार बहाल होने से रहे। जिस गांव में यह विद्यालय है वहाँ के लोगों की भी जिम्मेवारी है, और आपके गांव में कैसे लोग हैं यह घटना बता रही है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर।